जो है भाई बाघ सुअर का आतंक चल रखा है हमारे पहाड़ों में तगड़ा सा। बहुत इधर जो आसपास के गांव है ना, जहां थोड़ा सा जनसंख्या कम है, तो भाई गाय भैंसों को तो ऐसा अटैक कर रहा है बाघ, गाय भैंसों पर, तो गाय भैंसों पर, बकरियों पर बहुत ही तगड़ा अटैक कर रहा है बाघ। तो काफ़ी खुखार है भाई, वो तेंदुआ है, बाघ है, पता नहीं क्या है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंची थी, तो अभी तो बाघ पकड़ा नहीं गया शायद, यार उसको पता लग गया, मेरे को ऐसे ही लग रहा है उस बाघ को, कि मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो वो बाघ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया भाई। तो मित्रों आपका भाई उठ चुका है, आज थोड़ा जल्दी उठ गया है, वैसे मेरा टाइम जो है ना सुबह उठने का 11 बजे का है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि यार मैं आ रहा हूँ भाई आज अपने यहाँ के बिल्कुल लहलहाते खेतों में। आप देख रहे हो भाई पहाड़ है हमारा और लहलहाते खेत मिलते हैं भाई हमारे, इधर ऐसे ही खेत हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेत हैं, और नीचे को बिल्कुल पूरे गेहूं गेहूं हो रखे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहे बट मेरे को दिख रहे हैं, गेहूं हो रखे, नीचे को राई हो रखी है, और वहाँ नीचे सब काम कर रहे हैं। देखो वो देखो वो देखो चाची जी लगी पड़ी है, उधर अम्मा लगी पड़ी है, और इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग देखो घास लेके आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा है भाई हमारा पहाड़। और फिलहाल मैं तो भाई निकल रहा हूँ देवली खेत की ओर, क्योंकि देवली खेत भी है नीचे एक, तो वहाँ जा रहा हूँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा खासा हो रखा है, बड़ी सुहानी सी धूप आ रखी है, और कल मौसम थोड़ा ठंडा था, क्योंकि ना कल जो थी बारिश थी, मतलब बारिश हुई नहीं थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। मित्रों आप सोच रहे होंगे कि भाई ये पाइप क्यों घुमा रहा है, ठीक है, क्योंकि यार ये थोड़ा सा पाइप मेरे को वहाँ पाइप वर्क भी है ना, क्योंकि यार आपको पता है कि यूट्यूब से तो मेरे को कुछ मिलता नहीं है भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता यार, कहनी है वेल है, तो यश कण है भाई लेवरी हेवरी कहनी हो मैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा जो छू लाइटर काम ले जानी हो, थोड़ा पानी काम ले जानी हो, तो जानी क्या मतलब उस्ताज लो है मैं, ठीक जाओ, तो ये करे जामू फिलहाल वो त्याज बड़े दिना बाद टाइम मिल रहा हो दम, ये बखत मार है यो क्या कौन भाई। सामने के डांखनों को देख रहे होंगे ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से, क्योंकि ना वो आप छोटे छोटे देख रहे हो चीड़ के पेड़ है, और भाई बड़े छोटे छोटे और प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गांव बसे, और ये भाई हमारे गांव की शारी है, मतलब हमारे गांव के खेत हैं, इसको हम शारी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा कमेंट भी करिएगा यार, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं आते ना बिल्कुल भी, तो अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा कमेंट वमेंट मारी करो, थोड़ा सा झर्रागेदार कमेंट आना चाहिए यार, और बीचम बीचम पहाड़ बोले जानू मैं, यो झन गाय की यार खंड पहाड़ में बुलामो, खंड हिंदी में बुलाम रो, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मित्रों आप सामने देख रहे हो ना हरे हरे, तो ये चीड़ के पेड़ हैं, और ये भी चीड़ का पेड़ है, तो हमारे पहाड़ों में ना ईंधन के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं ज़्यादातर, वैसे तो आज सभी के घरों में गैस चूल्हा है, बट ईंधन के लिए ना आप देख रहे हो इस तरीके से इसकी टहनियाँ काटी जाती हैं टॉप तक, और ऊपर एक टुक्का छोड़ देते हैं, मतलब हरी चीज़, क्योंकि इसको ना बड़ौल बोलते हैं, पेड़ ना ऊपर को ग्रोथ करेगा अगर ये रहेगा, इसको काट देंगे तो काफ़ी लेट में ग्रोथ करेगा, मतलब ऊपर का पोर्शन ग्रोथ नहीं करेगा, नीचे का करेगा, तो ऊपर भी ग्रोथ करेगा, और इन टहनियों पे ना दोबारा कुछ टाइम बाद फिर नई टहनियाँ आ जाएंगी, तो इसको छटवान भी बोलते हैं, और पेड़ को अच्छा कर देते हैं, मतलब ऐसा करके ना, इससे क्या होता है पेड़ की ग्रोथ अच्छी होती है। और पीरूल है और ये लकड़ियाँ हैं, तो लकड़ियों से इसको हटाया गया है, और इसको आप घर को ले जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये पीरूल है, और आपको याद होगा ना आपके बचपन की कुछ चीज़ें, तो हमने ना इनसे बहुत सारा फटाके, तो हमने ना बचपन में इनसे बहुत फटाके फोड़े, शायद आपने भी फोड़े होंगे, स्केच पेन के अंदर फट फट वाली आवाज़, क्योंकि बचपन हमारा इन्हीं चीज़ों में बीता था, हमारे लिए गेम्स बहुत बड़े हुआ करते थे। ये यहाँ पर रखे हैं स्टोर करके लकड़ियाँ, कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप ले जा सकते हो, और इधर घास के थोपड़े, मतलब ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं हम पहले ही, बारिश के टाइम पे ना बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उस टाइम पे इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। परदेसी जाना नहीं।